और अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो आज हम सुबह 7 बजे से पहले ही आ गए मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। तो अभी हम चलेंगे इस तरफ और ये रास्ता है जाने का, और आज सावन का पहला सोमवार है और बारिश भी हो गई। तो अब हम पहुंच गए हैं मंदिर में, पीछे आपको मंदिर दिख रहा होगा और आगे से अलकनंदा नदी जा रही है गंगा जी, और वहीं से हम जल लेते हैं हमेशा सावन के सोमवार के लिए। तो चलते हैं जल लेने। फिर हम जाने का रास्ता थोड़ा ऐसे ही है, तो यहाँ से सही हो रहा है जल लेने के लिए। तो मम्मी जी यहाँ से जल ले रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पे आते हैं जल लेने के लिए। वैसे तो ऊपर एक नल है उसमें भी जाते हैं, और अब बारिश भी ज़्यादा होने लगी है तो अब चलते हैं। आप सबको सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हमारा प्रणाम। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे हमारे श्रीकोट का प्रसिद्ध चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, और अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो आज हम सुबह 7 बजे से पहले ही आ गए मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएँ। और यहाँ से हम जाएंगे मंदिर के लिए, हम अपनी झुमरी को लेके जा रहे हैं। मम्मी जी है मेरे साथ, आप कुछ कहना चाहते हो? अच्छा, अभी हम चलेंगे इस तरफ और ये रास्ता है जाने का, और आज सावन का पहला सोमवार है और बारिश भी हो गई। तो अभी हमें यहाँ नीचे नदी में जाना है जल लेने के लिए। तो अब हम पहुँच गए हैं मंदिर में, पीछे आपको मंदिर दिख रहा होगा, और आगे से अलकनंदा नदी जा रही है गंगा जी, और वहीं से हम जल लेते हैं हमेशा सावन के सोमवार के लिए। तो चलते हैं जल लेने। ये रास्ता है यहाँ जाने का, और यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो सब यहीं से जल लेते हैं। अब रिमझिम बारिश हो रही है, तो अभी कम लोग आ रखे हैं, अब धीरे धीरे भीड़ हो जाती है, काफ़ी सारे श्रद्धालु आने लगते हैं मंदिर में। तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं जल लेने के लिए। फिर यहाँ जाने का रास्ता थोड़ा ऐसे ही है, तो यहाँ से सही हो रहा है जल लेने के लिए। ये अलकनंदा नदी है, यहाँ से जल लेंगे। तो मम्मी जी यहाँ से जल ले रहे हैं। ऊपर मंदिर है। यहाँ से जल लेंगे और ऊपर मंदिर में चलेंगे। चलो अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो सभी लोग यहाँ पे आते हैं जल लेने के लिए। वैसे तो ऊपर एक नल है उसमें भी जाते हैं, और अब बारिश भी ज़्यादा होने लगी है तो अब चलते हैं। पहुंच गए हैं मंदिर में।
मंदिर में है और अब सब श्रद्धालु आने लगे हैं। ये पीछे की साइड है मंदिर, गंगेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे भी सब पूजा कर रहे हैं, तेल चढ़ा रहे हैं। यहाँ शनि देव जी भी है और आजकल बंदर भी खूब आ रहे हैं यहाँ से फल खाने के लिए। तो यहाँ पे ये दो पेड़ हैं, काफ़ी पुराने पेड़ हैं ये दोनों, पीपल के और बरगद के। तो यहाँ पे है ब्रह्मा विष्णु और महेश जी। सावन के पहले सोमवार पे हम आपको दिखा रहे हैं हमारे यहाँ का प्रसिद्ध चंद्रेश्वर महादेव मंदिर। तो ये नंदी जी है यहाँ पे और ठीक सामने यहाँ पे है मंदिर। तो सभी श्रद्धालु आ रखे हैं, पूजा कर रहे हैं। अभी बारिश हो गई तो कम आ रहे हैं, धीरे धीरे अब ज़्यादा आने लगेंगे। तो बहुत सुंदर मंदिर है ये वाला। और यहाँ पे है गणेश जी और हनुमान जी है, और उधर की साइड पीछे माता रानी का मंदिर है, और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश जी का मंदिर है। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो सामने अलकनंदा नदी है। अब हमारे दर्शन हो चुके हैं और हमने शिव जी को जल भी चढ़ा दिया है। तो आप कुछ कहना चाहोगे मम्मी जी? आप सबको सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएँ और सबका जीवन खुशहाल रहे। अच्छा, और यहाँ का मंदिर जो है बहुत ही सुंदर है, और ये चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है। तो अब चलते हैं घर। और ये पीछे आपको नदी दिख रही होगी, अलकनंदा नदी, तो गंगा जी ही बोलते हैं हम। तो बहुत ही सुंदर नदी है ये। और ये हमारे घर का मंदिर है और यहाँ भी मैंने सुबह पूजा कर ली थी। तो अभी ऐसे है, तो यहाँ पर मैंने शिव परिवार की मूर्ति ली थी कुछ टाइम पहले, तो यहाँ लगा रखी है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहता है शिव जी की मूर्ति या फोटो हो, क्योंकि मैं उन्हीं की ज़्यादा पूजा करती हूँ। तो और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी हैं, इनके भी मैंने वस्त्र बदल दिए हैं। तो अब जन्माष्टमी आएगी तो और नए पहनाएंगे, तो इनके जैसे वस्त्र हैं वो चेंज कर देते हैं तो सही रहता है। तो अब शाम हो गई है और हम नीचे मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने और दिया जलाने, और पापा जी नहीं गए थे सुबह तो इसलिए वो भी अब जा रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि सुबह बारिश हो गई थी। तो हमने उन्हें कहा कि आप घर पे ही रहो, और हम जल्दी आ गए थे। तो अब सब जा रहे हैं तो अब चलते हैं। तो अभी तो बादल हो रखे हैं, सुबह तो खूब बारिश हो रही थी, तो अब मौसम साफ़ हो गया है थोड़ा। तो सब वहाँ नीचे बैठने के लिए आते हैं, नदी के वहाँ बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अभी वहाँ जाएंगे, पापा जी मम्मी जी जा रहे हैं नीचे धीरे धीरे। तो अभी हम सब जा रहे हैं मंदिर। अब हम मंदिर पहुंच गए हैं, तो शाम की आरती के बाद जाएंगे, और यहाँ सब बैठने आ रखे हैं। कीर्तन हो रहे हैं, तो यहाँ पे मंदिर में कीर्तन हो रहे हैं। पापा जी यहाँ बैठेंगे, तो शाम को सब आए रहते हैं यहाँ पे, बैठते हैं फिर आरती होती है। तो यहाँ सब दिया जलाने के लिए आए हैं, अब सब यहाँ पे दिया जलाएंगे शाम का। और यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, और इधर मैंने चुन्नी चढ़ाई है आज पार्वती जी के। Yeah।
अभी हम यहाँ नीचे आ गए हैं और इस तरह का टापू बन गया है यहाँ पे। हाँ आज इसलिए नहीं आए, हाँ ऐसा टापू सा बन गया है, यहाँ बैठे रहते हैं लोग। अभी आज व्रत है तो आए नहीं होंगे, और यहाँ से ऐसे रहता है इधर यहाँ बढ़िया आ रहा है। हम यहाँ पे नदी देखने के लिए आ रखे हैं, सनसेट हो रहा है और अच्छा हो रखा है यहाँ। और ये वाली चूड़ी ली थी मैंने श्रीनगर से, तो ये अच्छी है, प्लेन आगे पीछे कड़ा लगा दो अलग अलग कलर का और प्लेन चूड़ी पहन लो। तो यहाँ नीचे बच्चे भी खेल रहे हैं इधर, ये अच्छा ग्राउंड सा बन गया है। यहाँ ऊपर मंदिर है इधर, और यहाँ पे ये जो पूरा ग्राउंड है जिसमें रेत जम रखी है, और जैसे यहाँ बच्चे खेल रहे हैं तो इसी तरह से पूरे इस पे खेलते रहते हैं बच्चे, और ऐसे रहता है यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं घर, और नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं, कोई पेंटिंग का ब्लॉग डालूंगी कैनवस पेंटिंग का, तो वही सीखेंगे बनाना। यहाँ पे इस तरह से बच्चे भी आते हैं खेलते हैं, जैसे ये बना रहे हैं मिट्टी में कुछ, तो एकदम बीच जैसा हो रखा है यहाँ, रेत बहुत अच्छी हो रखी है, तो अच्छा है खेलने के लिए भी। बस थोड़ा उधर की तरफ का ध्यान रखना है कि उस साइड नहीं जाना है।